लता मंगेशकर के निधन पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि भारत रत्न से विभूषित स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही, जिससे आज पूरा देश बहुत दुखी है। उन्होंने कहा, लता मंगेशकर को सभी उच्च पुरस्कार मिल चुका है और उनकी मृत्यु पर आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है और शोक मना रहा है। उन्होंने कहा, हम सभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फिर दोबारा धरती पर इस तरह की महान विभूति जन्म ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, हम भारत रत्न से विभूषित स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। आज पूरा देश हतप्रभ है उस ऐसी भारत रत्न, यहाँ तक कि भारत के सब उच्चतर इनको सम्मान मिल चुका है और आज राष्ट्र क्या पूरा विश्व इन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते ही है। आज इसी तारतम्य आज इन्हें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और पुनः भारतीय की धरती पर ऐसी स्वर को खिलाए पुनः आए, ऐसा ईश्वर से हम लोग आग्रह करते हैं। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत इनको हम लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।